गाइस हैप्पी मदर्स डे. हैप्पी मदर्स डे. आज मैं यश की मॉम के साथ हूँ एंड यश ने तो रूम ही छोड़ के ही इज गॉन. ही इज लाइक मैं नहीं कर सकता ये वाली वीडियो तुम्हारे साथ बैठ के. आज हम अपने आप को एक्सपोज करने वाले हैं. तुम लोगों ने तो हमारी फोटोज देखी ही होगी सोयाबीन कपल चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पे. बट आज हम आंटी जी को दिखाने वाले हैं. तो शुरू करते हैं. मुझे नहीं पता मैंने ये चैलेंज अपने आप को क्यों दिया है बट ठीक है. आंटी ये फोटो हम डिनर पे गए थे. अच्छा तुम दोनों गए थे. हाँ. और कौन है साथ में? कोई है नहीं. अरे हम डेट पे गए थे. डेट पे गए थे तो आप दोनों ही गए थे. बहुत प्यारे लग रहे हो दोनों ही. हाँ. क्या खाया आपने? हम ताकि हमने ऐसे ही ढूंढा था कोई रेस्टोरेंट हमें मिल गया था. मैं काफी तो ये हमने बिरयानी खाई थी वेज बिरयानी. और ऐसे हम लेके चलते एंजॉय करते हैं तुम लोगों के साथ. हम अगली बार जब जाएंगे ना तो अंकल आंटी हम सब फैमिली डिनर पे जाएंगे. ओके. हमने एक्चुअली एक वेटर को मतलब वहाँ पे जो हमारा एक पर्सन था जो हमें सर्व कर रहा था ही वाज सो नाइस. हमने उसे इतना परेशान किया है उन्होंने हमारी फोटो दी गई. एंड लास्ट में भी ही वाज लाइक ठीक है ठीक आ गए. आई वाज लाइक ओके बट थैंक्स. अच्छा आ गया. बहुत प्यारी है. सही है. हां बहुत प्यारी. दोनों ही अच्छे लग रहे हैं. हां और दिखाओ. घर में ली हुई है ये तो. हाँ यहीं पे. बहुत प्यारे लग रहे हो. ऐसे लग रहे हैं दोनों शादीशुदा में. बहुत ही अच्छे लग रहे हैं. ये यश मतलब पहले मुझे ऐसे नहीं दिखता था बट फोटोज में इतना डिफरेंट लगता है ये. बहुत अच्छा लग रहा है ये. आंटी सोच रहे हो कि मैंने अपने बेटे को तो कभी ऐसे नहीं देखा. सिंपल सा बैठा था. ठीक है नेक्स्ट फोटो. बहुत प्यारे लग रहे हैं. कहाँ थे? हम मैक्लोडगंज जब गए थे. अच्छी आ रही है. आपको कैसी लग रही है? मैं तो अभी धरती फटने वाली है. मैं अंदर जाने वाली हूँ. अच्छे लग रहे हो दोनों ही. अच्छे लग रहे हो. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम दोनों से. थैंक्स आंटी. बहुत प्यारे लग रहे हो. ऐसा नहीं लग रहा है शाहरुख. नहीं 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 मैं ऐसी. हाँ शाहरुख खान हो. अरे हाँ ठीक है. इतने भी कूल नहीं हो तुम लोग. हाँ मेरे और अंकल से ज्यादा कूल नहीं हो तुम लोग. हाँ और क्या बच्चों के साथ मजे करना चाहिए. एंजॉय करना चाहिए. 1 से 10 में कितने नंबर दोगे? मैं पूरे 10 ही दूंगी. आंटी आप ऐसे बटन लगा रहे हो. सच में? नो नो बिल्कुल सही. अच्छे लग रहे. प्यारे कपल्स लग रहे. नेक्स्ट फोटो आंटी. बिल्कुल प्यारे लग रहे हो तुम दोनों. पिक्चर की सीन जैसे जैसे मैं कोई मूवी देख रही हूँ. एक्स्ट्रा दोनों रणबीर कपूर और दीपिका का पादुकोण. आंटी ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें मनी कौन है मैं कौन हूँ. हमारे बाल एकदम इक्वली लग रहे हैं. रणबीर कपूर बना हुआ. रणबीर सिंह बना हुआ. रणबीर सिंह सॉरी उसके ऐसे बाल है. एंड जब आप टीवी देखते थे ना तभी खींची होगी तुम लोग. आपने टीवी देखी होगी तो मैं मनी को बोल रही थी पता नहीं लेते हैं. हमारा ये चलता रहता है पूरे टाइम. एंड आंटी इज लाइक नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम. मैं तो अच्छा लगता है. बच्चे एंजॉय कर रहे हैं चलो एंजॉय कर रहे हैं. मैं भी बच्चों के साथ एंजॉय कर सकती हूँ. सो कूल. ठीक है अब नेक्स्ट फोटो. अच्छा इसको आंटी आप कितने नंबर दोगे? 1 से 10 मत दो. रियल रियल. अच्छा आप ये मत देखो कि अच्छा बच्चे कितने प्यार में ये. आप देखो फोटो अच्छे हैं. हाँ बहुत प्यारी फोटो है. और इससे ज्यादा क्या बोलूँ मैं. बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे तो. मेरे को तो हीरो हीरोइन. चलो 11. हाँ 11. ठीक है ये तो अच्छी फोटो है. हाँ ये है बिल्कुल शादी का जोड़ा. दुल्हा दुल्हन दुल्हा दुल्हन. भैया की शादी में गए थे तब आप इधर उधर बिजी थे तब हमने आई थिंक मनु भैया ने ये हमारी फोटो ली थी. बिल्कुल तुम दोनों भी उसी टाइम शादी कर लेते हैं. हमें सब यही बोल रहे थे. और क्या. और ये वाली भी है फुल लेंथ भी है. हमें मैचिंग के बहुत ही मुश्किल से डाल रहे हैं. हां तो बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों ही. मेरे को तो लग रहा है मैं अभी शादी कर देती अगर मुझे पता होता तो.
करेंगे जल्दी। हाँ जल्दी जरूर जल्दी करना। हनीमून पे गए थे। अरे भाई तो जब हम नेक्स्ट डे शादी के बाद बीच पे गए थे सब मेरे फोटो। अरे हम तो भाई थे जब हम जाने वाले थे। मैंने नहीं देखा। अरे हम वही खड़े थे और ये तो मनु भैया ने लिए हमारे बहुत प्यारी। तन में भी खड़ी थी वहाँ पे सब थे वहाँ पे बिल्कुल रियल कपल। कोई नहीं बोल सकता हम सब साथ में हो ऐसे लग रहा है। पीछे कोई नहीं है। हनीमून पे गए हो तुम लोग। बस कैमरे के पीछे सिर्फ हमें कैमरे के आगे सारे लोग थे। बस जाने वाले थे सब पैकिंग वगैरह कर रहे थे। ये कहाँ घूम रहे हो? ये हम भैया के फंक्शन में जा रहे थे। हम बीच में भैया को पिक कर रहे थे। वो सैलून में थे तो बीच में ऐसे म्यूजिक चल रहा था एंड मैं अपनी वीडियो बना रही थी एंड मैंने बीच में आ गया। तुम तो हर सब जगह ऐसे काम करते रहते हो। एंजॉय करो फुल दृश्य शादी का। तो आंटी आपको कैसी लगी? बहुत ही प्यारी लगी है मुझे तो। ये मैं तो अभी तुम दोनों की अभी शादी कर दे। टाइम तो देखना। मानी तो निकल गए हैं वो मुझे नहीं लगता उसका क्या रिएक्शन होगा। पर आंटी इतने सारे इस पे व्यूज आए हैं और इतने सारे लोगों ने पसंद किए हैं। है ही पसंद करने लायक। दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। अप्रूव्ड आंटी अप्रूव्ड। ठीक है और ये लास्ट वाली ये अभी हमने रिसेंटली ली थी। हम फेस्ट में गए थे। बढ़िया बहुत बढ़िया। दिल्ली का इवेंट था तब तो वहाँ उस दिन रात को गए थे। हाँ बहुत प्यार गए। आपको क्या लगता है कि मतलब मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी लग रही है। मैं आप भी बिठा लेती हूँ। आंटी इज रेडी। मैं बिल्कुल रेडी हूँ। हमें तो मैचिंग कपड़े भी पहने थे। बिल्कुल हमारे ऑलमोस्ट फोटो मैचिंग ही डाल दो। तुम लोग मैचिंग ही डाल दो हर जगह। तो फिर आंटी अब मैं जा फिर नहीं 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 कहीं नहीं जाना। तो गाइस यही थी वीडियो। होप आपको अच्छी लगे। आई नो मदर्स डे एंड आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। मेरे को सरप्राइज मिल गया मदर्स डे का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो एंड हमें बताओ कैसी लगी है। हमें बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं। मैं नहीं मतलब मुझे चाहिए। बाय नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।